एमडी तस्करी के प्रकरण में गिरफ्तारी से बचने के लिए आला डीसीपी के नाम से उगाही करने वाले बर्खास्त पुलिस कर्मी को सदर पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी 32 वर्षीय सचिन मेश्राम है। इस कार्रवाई से पुलिस कर्मियों में खलबली मची हुई है। इस प्रकरण में सचिन के मित्र पुलिस कर्मी विशाल की भूमिका भी जांच की जा रही है। 31 वर्षीय महिला ब्यूटी पार्लर चलाती है। महिला की सचिन से पुरानी पहचान है। अगस्त माह में महिला के बॉयफ्रेंड को मानकापुर पुलिस ने एमडी तस्करी में पकड़ा था। इस प्रकरण में सचिन ने महिला की मदद की थी। कुछ दिन बाद सचिन पिंकी को जांच में उसकी भी एमडी तस्करी में लिप्तता पाए जाने की बात बताता है। उसने महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की जानकारी दी। उसने कार्रवाई से बचने के लिए जोन 2 के डीसीपी राहुल मदने से बात करने का झांसा दिया। इसके बाद मदने से बात होना बताकर 25 लाख रुपए की मांग की। महिला ने इतनी बड़ी राशि देने में असमर्थता जता दी। सचिन ने 12 लाख रुपए में मामला रफा दफा करने का बताया। उसने ग्रामीण पुलिस में तैनात विशाल नामक सिपाही को मदने का रास्टर बताकर मिलाया। उसने 5-5 लाख रुपए 2 किश्त में महिला से लिए। इसके बाद बकाया 2 लाख रुपए के लिए दबाव डालने लगा। महिला ने अपने मित्र को घटना बताई। उसने डीसीपी मदने से मुलाकात करने की सलाह दी। महिला ने सोमवार को डीसीपी मदने से मुलाकात की। मदने भी अवाक रह गए। उन्होंने सचिन को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। पिंकी ने सोमवार की रात सदर थाना परिसर में सचिन को रुपए लेने के लिए बुलाया। सदर के पीआई मनीष ठाकरे ने जाल बिछा दिया। उन्होंने सचिन को रुपए लेते हुए दबोच लिया। सचिन को चंद्रपुर के वरोरा में पुलिस के वाहन से शराब तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। नागपूर ग्रामीण हेडक्वार्टर मधून जो कर्मचारी डिसमिस होता सचिन मेश्राम म्हणून, तर त्या कर्मचाऱ्याने किंवा डीसीपीला पैसे द्यायचे आहेत, 20 लाख रुपये द्यायचे आहेत आणि ते पैशाचे त्यांचं 12 लाखापर्यंत सेटल झालं असं सांगितलं आणि त्या महिलेकडून संबंधित महिलेकडून फिर्यादीकडून त्यांनी पहिले 10 लाख रुपये घेतले आणि ती संबंधित महिला जेव्हा आमच्या ऑफिसमध्ये आली आणि त्यांनी ते हकीकत सांगितली की असा असा जो सचिन मेश्राम आहे तो 2 लाख आपल्या नावाने मागतो आहे, त्यावेळेस आम्ही संबंधित आमचा स्टाफ आम्ही ट्रॅप लावून संबंधित 2 लाख घेताना सचिन मेश्राम हा जो डिसमिस कर्मचारी आहे त्याला पकडलेला आहे, त्याच्या अनुषंगाने त्याच्यावरती गुन्हा दाखल झालेला आहे। जे ह्याचा बॉयफ्रेंड होता जुना, त्याच्यावरती 376 हा गुन्हा दाखल होता आणि त्या गुन्ह्यातून त्याला बेल मिळालेली होती आणि ती बेल मिळाल्यानंतर हे त्याच्या कुठेतरी बदला घ्यायचा ह्या हेतूने जो सचिन मेश्राम आहे कर्मचारी, तर त्या एनडीपीएची केस करण्यात आली जी की सचिन मेश्रामच्या इन्फॉर्मेशनवरून आम्हाला ती माहिती मिळाली होती की संबंधित जो फिर्यादीचा बॉयफ्रेंड आहे त्याच्याजवळ एमडी आहे, त्या अनुषंगाने पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केली होती आणि या कारवाईत किंवा या एनडीपीएच्या गुन्ह्यामध्ये सचिन मेश्राम यांनी या महिलेला सुद्धा सांगितलं की तुझं सुद्धा नाव येत आहे आणि त्या महिलेला डीसीपी पैसे मागतायत आणि ते पैसे तुला द्यावे लागतील आणि 12 लाख रुपये संबंधित डीसीपींना द्यावे लागतील, म्हणून त्यांनी 2 हप्त्यामध्ये 5-5 लाख ह्या महिलेने सचिन मेश्राम या कर्मचाऱ्याला दिले होते। नंतर 2 लाख घेताना आम्ही त्यांना पकडलेलं। त्यासंबंधी आम्ही तपास करतोय आणि त्यासंबंधी काही कर्मचाऱ्याचा पण आम्ही बोलवलेला आहे, त्यासंबंधी आमची इन्क्वायरी चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, बीसीएन न्यूज नागपूर।